मानो बेटा ये कपड़े तय लगा दो। हेलो, मिशा हॉस्पिटल में है। क्या हुआ मिशा को? वो जल गई है मानो, और वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता वो बच पाएगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो, सारे भाइयों की जान है उसमें, अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे। अच्छा मुझे ये बताओ कि कौन से हॉस्पिटल में है वो? यहाँ अब्रार भी है मानो। ठीक है, मुझे सारी सूरत हाल बताती रहना। क्या हुआ मिशा को? डॉक्टर साहब, आप अपने स्टाफ से पूछिए, आईसीयू में जो सीसीटीवी कैमरा है हमें उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए। जी सर। अम्मी मीशा हॉस्पिटल में है, जल गई है वो। इंशाल्लाह खैर। कैसे जल गई बच्ची? क्या हुआ, आप डर क्यों गई? नहीं, वो मिशा की तबीयत सही नहीं है, तो इसलिए बस परेशान हूं। क्या बात है कि पेशेंट ने कुछ बताया हादसे के बारे में? नहीं, कोई बात नहीं हुई उससे। मैं गई थी, फिर उसने थोड़ी देर के लिए आंखें खोली, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई फौरन। तो शौहर जालिम है उसका? नहीं, फरहाद तो बहुत प्यार करता है उससे। अब फरहाद इधर आओ जरा। ये मिशा के शौहर हैं फरहाद। इंस्पेक्टर साहब को तुमसे कुछ पूछना है, इन्हें बताओ कि हादसा कैसे हुआ। पता नहीं, मैं तो ऑफिस में था। मिशा ने मुझे कॉल की थी और वो बहुत ज्यादा खुश थी वकार भाई और अब्रार के आने पे। वकार मिशा से मिलने गए थे? वकार कौन है? जी इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे शौहर हैं और मिशा के बड़े भाई। आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं बहन के ससुराल जाने पर? वो असल में नाराजगी चल रही थी। कैसी नाराजगी? वो असल में खुश नहीं थे शादी से। क्यों? मैं मिशा से बहुत ज्यादा प्यार करता था और शादी करना चाहता था। उसके घर वाले कहीं और शादी तय कर रहे थे उसकी। मेरे ज्यादा इसरार करने पर वो मान गए, लेकिन जी डॉक्टर, क्या हुआ? हमने बहुत कोशिश की, सॉरी हम बचा नहीं सके। ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी।